आगा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अभी तक कोई मुसलमान की संगठन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह संगठन ने जो है काम शुरू किया है, ये बहुत ही बेहतरीन काम है। और मैं जो है तो संगठन के सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि भी जो है जब भी कौम का काम आ जाए तो अपने जो है जाति मतभेद को कहाँ रखे, अपने घर पर रख दे उसको। जहाँ पर भी दुनिया के अंदर अपन रह रहे हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी हो, जब भी जो है कोई हमारे कौम के बिरादरी का भाई हो, उसको कुछ भी परेशानी आए, हमारे संगठन का काम है कि उसके लिए जो है तो सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करे। मुसलमान के लिए नहीं, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। कुरान शरीफ में आज तक भी और किसी ने भी नहीं बताया तफसीर के अंदर, सब ने कहा कि बिरादरान वतन हमारा ही है। हमारे जो संगठन ने जो काम जो चालू किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आज तक हमारा जो है मुसलमानों का कोई भी रहनुमा नहीं हुआ, सब जो है तो राजकारण के एतबार से पक्ष अपनी अपनी जगह रहे, लेकिन जो हमारे बड़े संसाधक अध्यक्ष जो है शेख अजहर भाई, इन्होंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, इनको जो है तो मुबारकबाद देते हैं। और जो भी इसके अंदर जिम्मेदार हजरात है इनको भी कि जहाँ पर भी हमारे भाई का काम आ जाए दिलचस्पी के साथ अपना खुद का समझ कर जो है तो उसको आगे बढ़ाए। हाँ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना वो जिसको खुद अपने बदलने की फिक्र। अपने को जो है संगठन के अंदर जोड़ा जा रहा है, इसके अंदर हम क्या करना है, सभी मुसलमान की जो भी चीज़ हो कहीं पर जुल्म हो रहा है हमारा काम है, हमारे से हो सकता है, हमारे पास पावर है तो वहाँ पर जाकर क्या करें, हम जो है तो उसको साथ दें। और उसी के साथ किसी पर जुल्म हो रहा, हाँ किसी के ऊपर कोई भी चीज़ हो रही, तो हमारे पास अल्लाह ने पावर दिया है उसका इस्तेमाल करें। कि अल्लाह ने जो है हमको चुना है, अल्लाह जो है तो अपने बंदों को चुनते हैं तो उम्मत के काम के लिए, तो अल्लाह ने इसे हमको चुना है, अल्लाह ने हमको मुंतखब किया है। हम जो है तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि जब भी हमारे कौम का काम आ जाए तो सामने रखे, चाहे जो है तो आरक्षण के बारे में लड़ना हो तो सब जो है तो एकजुट होकर, अगर जानने वाले फोन करें और वालों को आ जाए सब जानने के अंदर, हमको जो है तो आरक्षण के बारे में मीटिंग करना है तो सभी जो है तो पहुँचने की कोशिश करें। अगर औरों वालों ने फोन किया जानने वालों को, तो जानने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो है तो पहुँचने की कोशिश करें। हम सब जो है तो एक दूसरे को लेकर चलेंगे कि हमारा काम संगठन का आगे बढ़ेगा। और अगर खींचतानी करेंगे इसके अंदर हमारी संगठन जो है तो कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए वो जो है तो सभी हमारे जो भाई है संगठन से जुड़े हुए और जुड़ाते रहे, उनको बताए कि ये जो है कोई जातिवाद संगठन नहीं है, कि सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के ऊपर जहाँ पर हालात आते हैं, मुसलमानों के ऊपर जहाँ पर परेशानियाँ होती है, उसके मसले को हल करने के लिए संगठन बनाई गई है। हाँ, अभी जो है तो जमीयत उलमा के बाद हमने देखा, हम जमीयत उलमा की जो है तो काम करते हैं, जमीयत उलमा के बाद अगर संगठन महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है तो ये तो महाराष्ट्र मुस्लिम लोग प्रतिष्ठान है, तो हम इसको बढ़ाए। इसके अंदर सभी लोग हैं जो बढ़ाए, जिसको आरक्षण का जब मौका आ जाए वहाँ पर भी जो है तो हम सब पूरे जिम्मेदार आगे बढ़ जाए। जहाँ पर भी कौम का काम हमारे साथ में करना है हमको सबको लेकर, वहाँ पर भी हम आगे बढ़ जाए। तो मैं ये सभी कहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि एक जो है ईमान वाले के ऐसे से कि भाई ये जो है हमारी संगठन से हमारे जो ऊपर वालों ने जोड़ा है, जिसके लिए उन्होंने जो है तो संगठन को बनाया है, इस संगठन का हम जो है पूरा पूरा फायदा हमारी हर कौम के बर्थ बर्थ पहुँचाए, हर एक आदमी तक इसकी जो है तो पहुँचना चाहिए आवाज, क्योंकि महाराष्ट्र मुस्लिम लोग प्रतिष्ठान ऐसा ऐसा काम करता है जहाँ पर मुसलमानों की परेशानी होती है वहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे कौन सी भी लाइन से हो। इसके लिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा जहाँ पर भी कौम का काम हो वहाँ पर पहुँचे। और जो है दूसरे भी हमारे भाई हैं जो बिरादरान वतन है दुनिया के अंदर रह रहे, तो उनका भी जो परेशानी हो उनसे नहीं हो सका तो हम जो है वहाँ पर